हेलो फ्रेंड्स, एक तो अजर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, और एक हमारे आते हैं पैसेज के क्वेश्चन। तो अनसीन पैसेज होता है और उस पैसेज में से क्वेश्चन आपके जो है, कभी कभी दो पैसेज भी आ जाते हैं। तो 10 क्वेश्चंस तो पैसेज के हो गए, और फिर अजर्शन रीजन के क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को हम ठीक कर लें तो हमारे जो सिलेक्शन के चांसेस हैं, पास होने के चांसेस हैं एग्ज़ाम को, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो अनसीन पैसेज होता है, या जो आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसको आप जो भी बोलें, उसमें आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब रीडिंग हैबिट कैसे हम स्ट्रॉन्ग बनाएं? तो सबसे आसान तरीका इसका यह है कि एक बार जब आप बुक पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, तो उसको एज ए टीचर पढ़ो, ठीक है? कि आप कॉपी चेक कर रहे हो, आप इवेल्युएशन कर रहे हो, तो जब इवेल्युएटिव मोड में पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, तब आपकी जो है वो जो ब्रेन की कंडीशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और एज ए रीडर नहीं, एज ए आप इवेल्युएटर उसको आप पढ़ो। एक रीडिंग आप कभी भी किसी भी चीज़ की पढ़ो, न्यूज़पेपर की या कोई टॉपिक है बुक में, उसको एज ए इवेल्युएटर आप जो है प्रैक्टिस करो उसकी। तो गारंटी से आप ये मान के चलो कि अगर 10 क्वेश्चंस हैं तो 10 में से 9 ठीक होंगे 100%। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने का तरीका ये है कि उसको आप रीडिंग फास्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है? और फिर उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्ट्रांग करने का एक ही तरीका है कि आप जो है वो एज ए एवेल्युएटर की तरह उसको पढ़ें, मतलब उसकी आप हैबिट डालें अपने आप से, एज ए रीडर ना पढ़ें। क्योंकि रीडर के पढ़ने में और एवेल्युएटर के पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप एक टीचर बनकर कॉपी चेक कर रहे हो तो आपका जो स्टेटस होगा ब्रेन का जो स्टेट होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है? और अजर्शन रीजन में क्या है, ये क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी होते हैं, और इसमें अगर आप देखो तो काफ़ी आसानी से हम क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। अजर्शन और रीजन अपने आप में ठीक हैं या नहीं है, फिर वो आपस में कोरिलेट हैं या नहीं है, तो पहले तो उनकी इंडिविजुअल चेक करो कि वो ठीक है या नहीं है, फिर उसमें कोरिलेशन निकालो कि कोई कोरिलेशन है या नहीं है। तो इसमें आप जानते हो कि 4 ऑप्शन होते हैं उसमें, ए इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस तरीके से आप जानते हो। तो इसकी भी आप देखो तो इसमें याद तो करना नहीं होता, मेमोराइजेशन तो है नहीं, प्रैक्टिस है इसमें भी, ठीक है? और प्रैक्टिस के लिए अगर आप देखो तो इसमें कंटेंट अवेलेबल नहीं है। बुक्स में क्या है, बुक्स में कहीं कहीं गलत दे रखा है, ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, और क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक नहीं है। तो कोई स्टैंडर्ड मटेरियल उपलब्ध अवेलेबल नहीं है। तो इसमें ये एक बेसिक पॉइंट्स हैं। कॉम्प्रिहेंशन की पढ़ाई आप कर सकते हो, और अजर्शन और रीजन जो है उसकी आपको प्रैक्टिस हम कराएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और आप आसानी से जो है वो उसको कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स इन वुमेन इन इंडिया, ओके? एंड सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसकंटिन्यूड द HPV वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो अब ये दोनों चीज़ ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए ना कि HPV वायरस का वैक्सीनेशन हुआ था लेकिन वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उसमें कुछ डेथ हो गई थी गर्ल्स की, तो इस वजह से कर दिया गया। तो अब आप कहोगे सेकेंड तो ठीक हो नहीं सकता, डिसकंटिन्यू क्यों करेगी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन? तो इस तरीके से जो है वो ट्रैप होता है, और उस ट्रैप में फंसा के क्वेश्चंस को जो है वो देते हैं वो लोग। तो ऐसे क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।